नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोबिया यानी कि डर के बारे में। दोस्तों, फोबिया जो है वो क्या होता है, यानी कि डर जो है वो क्या होता है। तो फोबिया एक ऐसी बीमारी है जो कि अत्यधिक और अकारण भय से जुड़ी होती है। यदि आपको फोबिया है तो जब आप अपने भय के कारण से सामने होते हैं तो आपको भय या फिर आतंक की एक गहरी भावना महसूस हो सकती है। भय किसी निश्चित स्थान, वस्तु या फिर परिस्थिति का हो सकता है और यह चिंता विकार से अलग होता है जो किसी विशिष्ट चीज से जुड़ा होता है। फोबिया के कई विशिष्ट प्रकार होते हैं, जैसे कि ऊंचाई का डर, सार्वजनिक स्थान या फिर सुनसान जगहों का डर वगैरह। और यदि आप दैनिक सामाजिक परिस्थितियों में चिंतित और बेहद शर्मिला महसूस करते हैं तो आपको सोशल फोबिया भी हो सकता है। कुछ सामान्य फोबिया जैसे कि सुरंगे, हाईवे, अधिक पानी, उड़ना, जानवर और खून वगैरह देखकर डर लगना। फोबिया जो है वो मरीज को परेशान करने से लेकर गंभीर रूप से अक्षम बना सकता है और फोबिया से पीड़ित लोग अक्सर यह महसूस करते हैं कि उनका डर पूरी तरह से तर्कहीन है, लेकिन वे फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाते और ऐसी समस्याओं से व्यक्तिगत संबंधों, स्कूल या फिर ऑफिस वगैरह के कामों में बाधा आने लगती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि डर जो है यानी कि फोबिया है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों बात की जाए जानवरों से डर की तो इसके उदाहरण में जैसे कि सांप, मकड़ी, चूहे और कुत्ते वगैरह से डर लगना वगैरह शामिल है। बात की जाए प्राकृतिक पर्यावरण से डर की तो ऊंचाइयों, तूफान, पानी और अंधेरे वगैरह से डर लगना। बात की जाए दोस्तों परिस्थिति से डर की तो इसमें किसी विशेष परिस्थिति से डर लगना शामिल होता है, जैसे कि तंग स्थान में डर लगना और उड़ान, ड्राइविंग, सुरंगों और पुलों वगैरह पर भयभीत होना वगैरह। और बात की जाए दोस्तों खून या फिर इंजेक्शन या फिर चोट के डर की तो इसमें खून, चोट, बीमारी, सुई या फिर अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से डर लगता है। कुछ फोबिया इन सामान्य श्रेणी में नहीं आते, वे कुछ इस प्रकार के फोबिया होते हैं जैसे कि दम घुटने का डर होता है या फिर कैंसर वगैरह जैसी बीमारी होने का डर होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो फोबिया है या डर है इसके क्या लक्षण और संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस विशिष्ट प्रकार का फोबिया है, इससे कुछ सामान्य प्रकार के रिएक्शन होने की संभावना होती है, जैसे कि डर के किसी स्रोत का सामना करके या उसको याद करके भी अचानक से तीव्र भय, चिंता और दिमाग में भगदड़ महसूस होना। यह जानते हुए भी कि भय जो है वो अकारण महसूस हो रहा है लेकिन उसको नियंत्रित करने में अक्षम महसूस होना। और जैसे ही डर का कारण बनने वाली स्थिति या वस्तु आपके या समय के करीब आती है तो चिंता उतनी गंभीर होती जाती है और उस वस्तु या स्थिति से बचने के लिए हर संभव कोशिश करना या चिंता और भय को सहन करने की कोशिश करना। डर महसूस होने के कारण दिमाग द्वारा सामान्य रूप का कार्य करने में परेशानी होना और शारीरिक प्रतिक्रियाएं और उत्तेजनाएं जिनमें कि पसीना आना, हार्ट की गति तेज होना, छाती में जकड़न होना और सांस लेने में कठिनाई वगैरह भी शामिल है। और चोट या खून वगैरह को देखकर जी मिचलाना, लड़खड़ाना और बेहोश हो जाना वगैरह। और बच्चों में चिड़चिड़ापन, अड़ी गुना, चिल्लाना या फिर माता पिता से दूर जाने से या फिर उनका गुस्सा झेलने से मना करना। तो विशिष्ट जो फोबिया होते हैं उनके लक्षणों की बात की जाए तो उनमें है जैसे कि एक विशिष्ट वस्तु या फिर स्थिति के प्रति अत्यधिक या फिर तर्कहीन भय होना और उस वस्तु या स्थिति से बचने की कोशिश करना या फिर गंभीर संकट के साथ सहते रहना। और चिंता या फिर पैनिक अटैक के शारीरिक लक्षण जैसे कि हार्ट जो है वो तेजी से धड़कना, मटली और दस्त होना, पसीना आना, कांपना या फिर हिलना, सुन्न होना या झुनझुनी महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई होना, चक्कर आना और सिर घूमना, दम घुटने जैसा महसूस होना वगैरह। और पूर्वानुमानित चिंता, इसमें फोबिया का कारण बनने वाली स्थिति या वस्तु का सामना करने के समय से पहले बेचैन होना। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को कुत्तों से डर लगता है तो वह बाहर जाने से पहले चिंतित या बेचैन हो सकता है अगर आप उसको पता है कि उस रास्ते पर कुत्ते रहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो बिना किसी कारण के डर महसूस करना झुंझलाहट का कारण बन सकता है लेकिन इसको विशिष्ट फोबिया नहीं माना जाता जब तक यह आपके जीवन को गंभीर रूप से संकट में ना कर दें। और यदि चिंता जो है वो काम, स्कूल या फिर सामाजिक परिस्थितियों के कार्य करने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बचपन के डर में अंधेरा, भूत या राक्षस, अकेला छोड़ जाना वगैरह सामान्य है और ज़्यादातर बच्चे उम्र के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर बड़ा होने के बाद भी आपके बच्चे को अत्यधिक डर महसूस हो रहा है जो घर के काम या स्कूल वगैरह के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है तो बच्चे को डॉक्टर से दिखाना चाहिए।
अब हम दोस्तों जानेंगे कि डर जो है वो क्यों लगता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों बात की जाए सिंपल फोबिया के कुछ सामान्य कारणों की, तो यह आमतौर पर बच्चों में 4 से 8 साल की उम्र के बीच होता है और कुछ मामलों में यह पहले कभी जीवन में हुई किसी घटना के कारण भी हो जाता है। परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी भयावह चीज से सामना भी अन्य सदस्यों के लिए फोबिया का कारण बन सकता है। ज्यादातर बच्चों में इसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी बच्चे की माँ को मकड़ी से डर लगता है, जैसे कि एरेक्नोफोबिया जिसे कहते हैं, तो बच्चे में यह फोबिया विकसित होने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। फोबिया जो है वो माता पिता से भी लग जाता है या फिर भय की बातें सुनकर भी किसी बच्चे में यह विकसित हो सकता है। और दोस्तों बात की जाए जटिल फोबिया के कुछ सामान्य कारणों की, तो एग्रोफोबिया यानी कि भीड़ से डरना या फिर सामाजिक फोबिया को शुरू करने वाला कारण अभी तक भी एक रहस्य ही है। किसी को भी नहीं पता कि उनको भय क्यों लग रहा है। ISIS यानी कि इंटरनेशनल स्टडी ऑफ इन्फेक्ट सर्वाइवल के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके संयोजन का कारण भी ये हो सकता है, जैसे कि जीवन का अनुभव, दिमाग की केमिस्ट्री, आनुवंशिकी और सोशल फोबिया की अत्यधिक संभावना, जो कि अत्यधिक तनावपूर्ण अनुभव के कारण होती है। और दोस्तों बात की जाए फोबिया और उसके अस्तित्व की, तो कई प्रकार के फोबिया के लिए कई प्रकार के स्पष्टीकरण हो सकते हैं। सोशल फोबिया जीवन की प्रवृत्ति भी हो सकती है, घर में रहने के लिए प्रवृत्ति, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए, एड्स से पीड़ितों के लिए, मेल जोल में विचित्रता और खतरा ढूंढने के लिए यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। और दोस्तों बात की जाए कि दिमाग में फोबिया का विकसित करने की क्रिया विधि की, तो दोस्तों दिमाग में कुछ क्षेत्र कुछ खतरनाक और संभावित घातक घटनाओं को अपने दिमाग में बसा लेते हैं या फिर उनको बार बार जो है वो याद करते रहते हैं। भविष्य में किसी अवसर के दौरान जब ऐसी ही किसी घटना से सामना होता है तो वे क्षेत्र उन यादों को फिर से ताज़ा कर लेते हैं और इसके कारण से शरीर को लगता है कि यह फिर से हो रहा है। और दिमाग के वे क्षेत्र जो डर और तनाव में काम करते हैं, वे इन भयावह घटनाओं को अनुपयुक्त रूप से फिर से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोगों में अगर कोई घटना बार बार हो रही है तो उनको फोबिया महसूस हो सकता है। फोबिया एक तर्कहीन घटना होती है और जिसमें कि मस्तिष्क यानी कि दिमाग किसी घटना पर अति प्रतिक्रिया करता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि डर यानी कि फोबिया से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों हालांकि ऐसे कई विशिष्ट फोबिया हैं जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती, प्रारंभिक बीच बचाव और एक दर्दनाक अनुभव के बाद उसका उपचार व्यक्ति में गंभीर फोबिया विकसित होने से रोकथाम कर सकता है। अपने डर से निपटने के द्वारा आप अपने बच्चे को उत्कृष्ट कौशल सिखा सकते हैं और उनकी हिम्मत को बढ़ा सकते हैं और यह बच्चों में फोबिया विकसित होने से रोकथाम करता है। और दोस्तों बात की जाए कि फोबिया की जांच या निदान कैसे किया जाता है, तो दोस्तों फोबिया का निदान करते समय डॉक्टर यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि कोई वस्तु या स्थिति मरीज में किसी प्रकार का डर पैदा करता है। जिन लोगों को फोबिया होता है उनको लगभग हमेशा पता होता है कि उनको भय महसूस हो रहा है और वे अपने लक्षण आसानी से डॉक्टर को बता सकते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि डर यानी कि फोबिया का इलाज क्या होती है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों डर का इलाज दवा, कुछ खास थेरेपी या फिर दोनों के संयोजन से किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में दवा और थेरेपी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बात की जाए दवाओं की, तो कुछ प्रकार की दवाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि फोबिया के इलाज के लिए कारगर साबित हुई है। उसमें दोस्तों बात की जाए बीटा ब्लॉकर्स की, तो ये दवाएँ फोबिया के लक्षण और घबराहट जैसे कि तेजी से और कठोरता से दिल का धड़कना, ऐसी कुछ समस्याओं को कम कर देती है और इनके साथ साथ टांगों और बाजुओं के कांपने की स्थिति को भी कम कर देती है। कई मरीजों ने बताया कि ये दवाएं उनकी दबी आवाज़ को भी ठीक होने में मदद करती है। और दोस्तों बात की जाए एंटी डिप्रेसेंट की, तो SSRI दवाएं आम तौर पर फोबिया से पीड़ित लोगों को ही दी जाती है और ये दवाएं दिमाग में सेरोटोनिन को प्रभावित करती है, जिससे कि परिणाम स्वरूप जो मूड है वो अच्छा हो जाता है। और दोस्तों बात की जाए सेडेटिव की यानी कि शामक की, तो बेंजोडाइजेपिन जो दवाएं होती है वो चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। जो लोग शराब वगैरह का सेवन कर रहे हैं उनको सेडेटिव दवाएं नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बिहेवियरल थेरेपी की, तो दोस्तों बात की जाए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मानसिक डर के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सकीय थेरेपी है और थेरेपिस्ट जो है वो पीड़ितों को उनके फोबिया के कारण को समझने के अलग अलग तरीके सिखाते हैं, जिससे कि उन्हें अपने डर का सामना करने में आसानी महसूस होती है। डर को देखने और समझने के अन्य वैकल्पिक तरीकों को समझाया जाता है और रोगी को सिखाया जाता है कि उसके जीवन की गुणवत्ता पर एक गलत दृष्टिकोण का क्या प्रभाव हो सकता है और कैसे एक नया तरीका जिंदगी को बदल सकता है।
थेरेपी का पूरा जोर मरीज के अंदर नकारात्मक विचारों और बेकार की धारणाओं और फोबिया की स्थिति के रिएक्शन का पता लगाने और उसको बदलने पर होता है। और दोस्तों बात की जाए एक्सपोजर थेरेपी की, जिसे कि हम डीसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं, तो अगर यह थेरेपी ठीक तरीके से हो पाए तो इसकी मदद से पीड़ितों के डर के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में परिवर्तन करने में सहायता की जा सकती है। रोगियों को उनके डर के कारणों से धीरे धीरे बढ़ाकर अवगत कराया जाता है, जो व्यक्ति किसी विमान में यात्रा करने से डरते हैं तो उनको सिर्फ विमान यात्रा के बारे में सोचने से शुरू किया जाता है। उसके बाद विमान को देखना, फिर एयरपोर्ट पर जाना और फिर प्रैक्टिस सिमुलेटेड प्लेन कैबिन यानी कि एक विमान जैसा कमरा होता है उसमें बैठना और अंत में विमान में यात्रा करना वगैरह शामिल होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।